गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू आर और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और आज जो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर आपके लिए है 35 क्वेश्चन है और 34 तक के पार्ट सारे यूट्यूब पे अपलोड है। योगेश एंड नरेश आर पार्टनर हैं और ये प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली डिसाइड करते हैं। दे डिसॉल्व द 1 अप्रैल 2024। नरेश वाज असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रियलाइज द एसेट्स। सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नरेश की है। सारी एसेट्स और लाइबिलिटी को बेचेगा, इसके लिए उसको 10,000 रुपये का रेम्यूनरेशन मिलेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट दे रखी है हमें, अब बैलेंस शीट पर नजर मारेंगे तो सारी एसेट्स और लाइबिलिटी को ट्रांसफर करना है। फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, बाकी ये सब चीज़ें हम बाद में पढ़ते हैं। फिलहाल तो मैंने आपको बताया था रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय आपको दो बातें ध्यान रखनी है, सारी एसेट ट्रांसफर करेंगे और सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे। एसेट्स कुछ नहीं छोड़नी है सिवाय चार को छोड़ दो, कैश अकाउंट छोड़ करोगे, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट और पार्टनर का लोन अकाउंट और डेबिट बैलेंस प्रॉफिट लॉस, इन सब को छोड़कर बाकी सारा का सारा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो आप बेटा मुझे हेल्प करते रहो, मैं लिखता जाऊंगा। वैसे कैश इन हैंड तो आएगा नहीं, इन्वेस्टमेंट डेप्टर्स, अब देखो इसमें प्रोविजन भी दे रखा है तो प्रोविजन भी एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा। किसी एसेट्स के अगेंस्ट कोई प्रोविजन दिया वो भी हमारा आएगा, लेकिन एसेट्स आएगी हमारी 2 में तो उसका प्रोविजन कहाँ आएगा, बाई में। अब नीचे लास्ट में देखा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो ये भी क्या है मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस या एडवर्टीजमेंट या फिक्टिशियस एसेट्स, एक ही बात है, ये भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो ट्रांसफर वाली 2 ही चीजें हैं, एक इन्वेस्टमेंट और एक क्या हमारा डेप्टर्स, 2 ही चीजें हैं, ठीक है। यहां लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, अमाउंट बताओ बेटा मेरे को, डेप्टर इन्वेस्टमेंट कितने का है 30,000 और डेप्टर्स, ये ग्रॉस बता रहे हो ना मेरे को, 73,400 और इसका जो प्रोविजन है वो इधर वाली साइड में आ जाएगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स, अमाउंट कितना है 4,000। सारी एसेट्स हमारी ट्रांसफर हो गई। अब लायबिलिटी साइड में देखो, क्रेडिटर्स आएंगे, पार्टनर का लोन नहीं आएगा लेकिन उनकी वाइफ का लोन आएगा, तो पार्टनर क्रेडिटर्स कितने के हैं देखो, कितने के दे रखे हैं 80,000। मिस्टर योगेश का लोन है वो नहीं आएगा, सॉरी लोन बाय नरेश ये नहीं आएगा, लोन बाय मिसिस योगेश ये आएगा, ठीक है। कितना अमाउंट दे रखा है 42,000। चलिए यहां तक क्लियर है, कोई डाउट्स? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं तो उसका जो रिजर्व है वो आएगा, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है बेटा 8,000। हमेशा जो भी एसेट्स है उसके अगेंस्ट कोई रिजर्व है वो जरूर आते हैं। अब बताओ यहां तक कोई डाउट्स है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक लिखने के 2 नंबर आपको CBSE दे देगा, पर ये गलत में भी मत पालना कि स्कूल देगा, ठीक है। प्री बोर्ड में इनमें नहीं मिलेंगे स्कूल वाले कॉपियों में मार्क्स, लेकिन बोर्ड में जरूर मिलते हैं इसके मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट देखें, कैपिटल अकाउंट आएगा नहीं, अब नीचे के एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते जाओ करते जाओ। योगेश कह रहा है मैं अपनी घरवाली का लोन दूंगा, बड़ी अच्छी बात है भाई, बड़ा अच्छा स्टेप उठाया योगेश ने, अपनी घरवाली का लोन पे कर रहा है वो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टू योगेश कैपिटल अकाउंट और यहाँ लिख देना मिसेस योगेश लोन। कितने में ले रहा है कुछ लिखा तो नहीं, पर वो कह रहा है कि मैं अपनी वाइफ का लोन दूंगा तो पूरा का पूरा दे भाई, घरवाली 1 रुपये भी कम ना ले लेगी उसके, है ना, वाइफ का लोन बैली जा रहा है 1 रुपये भी कम नहीं लेगी। हाँ ज़्यादा दे दोगे तो वो मना नहीं करेगी, पर 42 है वो पूरा लेगी। डेप्टर से रिलाइज हो रहे 60,060 रुपये, वाह। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश जो आपको डेप्टर से रिलाइज हो रहे हैं 60,060 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नरेश कह रहा है मैं इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ 26,000 रुपये में, तो
यहां पे क्या लिखेंगे बताओ, नरेश कैपिटल अकाउंट, बीच में लिख देना इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में, कितने में ले रहा है 26,000। अब जरा एक नजर मारो, इन्वेस्टमेंट भी बिक गए, डेप्टर भी बिक गए, दो चीज तो खत्म हो गई, ये तो ये वाला पेमेंट हो रहा है ना, एसेट तो दो ही थी ना, दोनों की दोनों निकल गई। अब लायबिलिटी को पेमेंट करना है, प्रोविजन पेमेंट होगा नहीं, इन्वेस्टमेंट पेमेंट होगा नहीं, ये हो गया। अब क्रेडिटर्स को कितना दे रहे हैं देखो नीचे एडजस्टमेंट में, क्रेडिटर वाज पेबल आफ्टर 2 मंथ्स बट बिफोर पेड इमीडिएटली डिस्काउंट 15% पर एनम। ये वाली एडजस्टमेंट है थोड़ा सा घुमाने वाली, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। वो क्रेडिटर को देना था 2 महीने बाद, अब क्योंकि फर्म तो डिसॉल्व हो रही है, क्रेडिटर का जो पेमेंट करना था हमें कब करना था, 2 महीने बाद, लेकिन हम 2 महीने पहले ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि 2 महीने पहले कर रहे हैं तो 15% का डिस्काउंट मिलेगा आपको, तो फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो हम पेमेंट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट और ब्रैकेट में कर दो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के हैं बताओ, 80,000 के, 80,000 पे कितना परसेंट है 15%, और कितने महीने पहले दे रहे हो, तो 80,000 पे 15% और 2 बाई 12 करो 2,000, तो 80,000 में से 2,000 माइनस कर दो तो क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना करें 78,000। यहां तक क्लियर हो गया या दोबारा समझाऊं इसको, वंस मोर, यहां यही रखो क्लास में तो समझ में आ जाएगा। वो कह रहा है क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करना है 2 महीने बाद करना था, फर्म तो डिसॉल्व आज हो रही है, तो क्रेडिटर को 2 महीने बाद कौन देगा भाई, फर्म जो सारी पेमेंट बेच के, सॉरी सारी एसेट बेच के लायबिलिटी का पेमेंट करना है, तो क्रेडिटर को कह रहे हैं भाई हम तेरे को आज पेमेंट कर रहे हैं, देना तेरे को 2 महीने बाद है, तो कह रहा है ठीक है 15% का डिस्काउंट ले लो, पेमेंट करो, क्योंकि कंपनी बंद हो रही, फर्म बंद हो रही, 2 महीने बाद किससे पैसे लूंगा मैं। तो ऐसे केस में क्या है, क्रेडिटर को कितना मिलेगा, 80,000 के कह रहे हैं 15% 2 महीने का निकालोगे तो 2,000 रुपये आएगा, माइनस कर दो तो बाहर आ गया। अब हमारे ये भी पेमेंट हो गया, अब कुछ बच रहा है और कोई नीचे एडजस्टमेंट, देखो डेप्टर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ बैड डेप्ट, जो डेप्टर थे वो प्रीवियसली रिटर्न ऑफ हो गए थे, अब वो रिकवर हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं हमारे को रिकवर हो रहे हैं, 16,670 रुपये हमें दे रहे हैं, एक अनरिकॉर्डेड एसेट से रिलाइज हो रहा है हमें 10,000 रुपये, तो ये तो भी फायदा हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है हमें फायदा हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कितने की रिलीज हो रही है बेटा 10,000, और एक और आ रहा है हमारे पास बाय कैश बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, वैसे तो आप ये सारे एक साथ लिख सकते थे, ये सारी आइटम एक साथ लिख सकते, मैंने अलग अलग कर दी, तो कितना रिकवर हो रहा है बैड डेब्ट से 16,000 हो रहा है 6,000 हो रहा है, अरे भैया कहाँ से मिल गया ऐसे बढ़िया वाली चीजें, 16,670, अब तो खत्म हो गया, अब हमको फर्म में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये हमें देखना है, और टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का, वैसे इसमें आंसर में तो प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि प्रॉफिट ही है, तो टोटल करते हैं, पहले 4,000 है, कर लिया वेल डन, 2,07,30, 2,46,000, 7,30 में से माइनस करो कितना आ रहा है 30,000, फिर 73,400, फिर 42,000, 78,000, 23,330 रुपये आ रहा होगा प्रॉफिट, नहीं 13,330 रुपये आ रहा है, कोई बात नहीं वो एक ही बात है, 13,330 10,000 रुपये का है वो, 10,000 अनरिकॉर्डेड एसेट्स के ही चेंज कर रहा है ये, हाँ ठीक है। अच्छा एक चीज भूल गए, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस, टू कैश
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रहे थे। अच्छा किसको दे रहे हैं ये? नरेश को। तो यहां पे आ जाएगा नरेश कैपिटल अकाउंट। क्या आ जाएगा यहां पे? नरेश कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में कर देना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितने का दे रहे हैं? 10,000। तो यहां पे बचेगा जो वो आ रहा है 13,330 रुपये मिल गया आंसर हमारा। और हमारा जो आएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन कौन है पार्टनर यहाँ पे? योगेश और नरेश इक्वल पार्टनर है ना? योगेश और नरेश कैपिटल। और अमाउंट आएगा यहाँ पे 13,330। और 13,330 को डिवाइड कर दो 2 से, 6665 है, 6665, क्योंकि ये इक्वल पार्टनर है। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले योगेश है ना, फिर नरेश है, सबसे पहले लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस है यहाँ पे? सब कुछ कर दिया, क्वेश्चन नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। कैपिटल बताओ 21,000। ध्यान रखें रिलाइजेशन अकाउंट बनाना बहुत आसान, ये पार्टनरशिप अकाउंट बनाना बहुत आसान है। ये वाला लिख दिया, फिर सबसे पहले देखो जो बैलेंस शीट की आइटम है सबसे पहले ये बांटना। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में देखो क्या कोई रिजर्व दिया हुआ है? कोई भी रिजर्व नहीं है। क्या एसेट साइड में लॉस है? बिल्कुल है सर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का लॉस है तो इसे बांट दो। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इक्वली बांटो क्योंकि ये लॉस है हमारा 110,600। 110,600 डिवाइडेड बाई 2 तो 55,300 आएगा। 55,300 समझ में आ गया। रियलाइजेशन का प्रॉफिट ले लो, कितना है? 6665। अब यहां देखो कैपिटल अकाउंट योगेश का दिया हुआ है 2 का, तो यहां पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट मिसेज लोन, दिस इज योगेश लोन। कितना है? 42,000। चलिए ये भी खत्म हो गया। और यहां पे कुछ रह गया नरेश की कैपिटल, तो यहां पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम। किसको दे रहे हैं? नरेश को। और कोई प्रॉफिट बांट दिया, ये भी हो गया। अब इधर वाली साइड में आ जाओ नरेश कैपिटल, तो यहां पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट 26,000। चलिए और कौन है? और तो कुछ ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहां पे एक लोन है, लोन बाय नरेश, इसको एक लाइन में बना लो, इसे ज्यादा लंबा तो है नहीं, है ना। लोन बाय नरेश, एक ही लाइन में का ज्यादा है नहीं ये। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने का लोन है? 44,000 का। इसको कैश पेमेंट कर दो, टू कैश 44, खत्म। ये तो आ गया होगा समझ में, ये तो पेमेंट हो गया, ठीक है। अब
अकाउंट को फिनिश करेंगे, देखेंगे किसको कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ 21,000 आ रहा है नरेश, प्लस 6665 प्लस 10,000 37, ये तो ज्यादा आ रहा है। पहले योगेश का देखते थे 55,000, यहाँ देखें 21,000 प्लस 665 प्लस 42,000, तो ये आ रहा है हमारा 69,665। कुछ हो रहा है और माइनस करो 55,300, तो 14,365 आ रहा होगा इसका। तो कैश अकाउंट 14,365, इसका तो भाई अकाउंट क्लोज हो गया। इसके अकाउंट में कुछ चेंज है, 55,300 प्लस 26,000, तो ये आ रहा है 81,300 माइनस करो 21,000 माइनस 6665 माइनस 10,000 43,600 भाई। इसको तो पैसा कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि इसको देना पड़ेगा फर्म को, ठीक है। लोन ऑफ नरेश ट्रांसफर टू नरेश कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे इसको देना पड़ेगा 43,635, एक तरह से ये लेके आएगा 43,635, तो ये आ गया 81,300। नरेश को तो कोई पैसा दिया नहीं जा रहा, नरेश लोन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 43,635 हो गया। चलिए अब यहाँ पे कैश अकाउंट को पूरा कर दो, खत्म कर दो। एक कैश लेके आएगा, एक को कैश मिलेगी, तो टू बैलेंस बीडी कितना है बताओ, कैश इन देखो बैंक देखो कितना है हैंड 6,000, ठीक है। अब ये वाला कैश जोड़ दो, एक तो कौन सा कैश है, ये वाला, एक ये और ये, तीनों कैश जोड़ दो टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक तो डेप्टर से मिल रहा है, एक बैड डेप्ट रिकवर्ड हो रहा है, और एक आपका अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कितना है 60,060 बैड डेप्ट रिकवर्ड हो रहे हैं आपके 16,670 और एक हो रहे हैं 10, और तो पैसा कहीं से नहीं आ रहा। अच्छा ये भी आ रहा है भाई, क्या नाम है इसका, नरेश कैपिटल 43,635। अब इधर आ जाओ, बाय रियलाइजेशन, एक तो क्रेडिटर्स को दे रहे हैं, क्रेडिटर्स को कितना दे रहे हैं 78,000, और ये तो आने का नहीं, और तो कुछ बचा ही नहीं, और योगेश कैपिटल अकाउंट 14,365। और ये था लोन बाय नरेश, बाय नरेश लोन 44।
बस और तो कुछ नहीं बच रहा, 6000 प्लस 60 प्लस 16, 670 प्लस 10000 प्लस 43, 635, 1,36,365, 78,000, 14,365, और ये हमारा टैली हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है? तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आप ये ध्यान दें, एग्जाम में वैसे ज्यादातर कोशिश करें कि रियलाइजेशन अकाउंट की प्रैक्टिस करें, बाकी तो ये बन गया तो ये दोनों तो अपना भी बन जाएंगे, क्योंकि इसकी चीज़ें ट्रांसफर करनी होती हैं आपको। ठीक है, और ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, रात को 9 बजे मेरी एक वीडियो जरूर आती है। और अपनी प्रॉब्लम्स को DM करें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, और इंस्टाग्राम पे भी मैं सेम ID से ही हूँ, बलोनी सर के नाम से ही हूँ। थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।